नमस्ते मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह में 6:23 की विरार फास्ट ट्रेन पकड़ के विरार स्टेशन जा रहे हैं फॉर द वज्रेश्वरी टेंपल विजिट। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहना वज्रेश्वरी टेंपल का वर्चुअल विजिट के लिए। स्टेशन में उतरने के बाद ईस्ट से बस या रिक्शा मिलती है वज्रेश्वरी टेंपल के लिए। अब हम पहुँच गए हैं आकलोली गांव के तानसा रिवर के पास। हम जहाँ खड़े हैं वो एक आने जाने का रास्ता है इस किनारे से उस किनारे तक, और ये जो बीच में आपको दिख रही है वो तानसा रिवर है। काफ़ी ब्यूटीफुल शीतल वातावरण है सुबह का। ये जो नज़ारा आप देख रहे हो, मेरे साथ मेरे सर नरुडे सर भी साथ में आए हैं और मेरे फ्रेंड नितेश खत्री भी साथ में है। हम तीनों सुबह में रिक्शा में बैठ के विरार ईस्ट से यहाँ पहुँचे हैं। ये गांव जो है उसका नाम है आकलोली गांव, और यहाँ पे कई लोग आते हैं स्नान करने के लिए। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे तकरीबन 21 गर्म पानी के फवारे ज़मीन से आते हैं, और उसे हॉट वाटर स्प्रिंग कहते हैं, गर्म पानी के कुंड कहते हैं। यहाँ के लोगों ने उसे कुंड के जैसे बनाया है, और उसमें से लिटरली वेरी हॉट गर्म पानी, यानी कि हमारा हाथ भी जल्दी हम डाले तो हमें पूरा गर्म लगे। तो एक बाल्टी में के बर्तन में लेके पानी को बाहर निकालते हैं, फिर शरीर में डालते हैं। और ये देखिए कितना साफ और स्वच्छ पानी है तानसा रिवर का। ये नदी है उसका नाम है तानसा रिवर, आकलोली गांव। और ये जो पैसेज है, जो तानसा रिवर है वो ओवरफ्लो हो रही है। गांव वाले यहाँ पे रिक्शा फ्लोइंग वाटर में रिक्शा धोते हैं, बाइक धोते हैं सब। और इस तानसा रिवर के बेड पे जो सामने दिख रहा है वो साईं बाबा का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मनोरम्य दृश्य है। अब हम चलते हैं कुंड की तरफ, जहाँ पे हॉट वाटर कांस्टेंट 12 महीने चलता रहता है। ये कुंड है, ऐसे स्थानिक लोगों ने बना दिया है पूरा, के अंदर से ही एक अरेंजमेंट बनी रहे। पूरा नदी का पानी एकदम ठंडा है, बट इस कुंड में एकदम गर्म पानी आ रहा है। और देखिए आप बांफ भी देख पाएंगे कि कितना गर्म पानी है। कई लोगों को गर्म पानी सूट होता है और कई लोगों को गर्म पानी सूट नहीं भी होता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे कि इतना हॉट वाटर में भी कई लोग अच्छे से स्नान करते हैं, और हमारे शरीर पे वो गर्म पानी के छींटे भी गिरे तो हमें ऐसा लगता है कि हम जल रहे हैं। शांत नदी का वातावरण और हॉट वाटर स्प्रिंग, कुदरती सौंदर्य का जिन्हें विजिट पसंद हो वो यहाँ आएंगे तो उन्हें ज़रूर अचरज भी मिलेगा। देखिए कई लोग इस तरह से नहाते हैं, और वहाँ से बाल्टी एंड टब एंड टम्बलर्स मिलते हैं। अगर हम ना ले गए हो तो वहाँ से हमें ये टम्बलर्स भी मिल जाते हैं। मैंने 3 से 4 कुंड का वीडियो शूटिंग किया है, और ऐसे तकरीबन 21 जगह है जहाँ से गर्म पानी ज़मीन से आ रहा है। और यहाँ पे एक सल्फर के स्मेल हमें महसूस होती है, क्योंकि जो अंदर से ज़मीन के भूगर्भ से ये गर्म पानी आ रहा है। आजू बाजू पूरा ठंडा पानी, तानसा रिवर पूरी ठंडी है, और कई लोग आते हैं जैसे ये यात्रा का स्थल हो। ये पूरा एरिया आकलोली गांव, आकलोली गांव के इस विजिट के बाद हम चलते हैं यहीं से तकरीबन थोड़े 300 मीटर दूर पे वज्रेश्वरी टेंपल है। तो ये आकलोली गांव है, और आकलोली गांव में भी एक शंकर भगवान का मंदिर है। तो चलिए अब हम उस मंदिर के दर्शन के लिए इस मार्केट से होते हुए निकलेंगे।
यही शंकर भगवान का मंदिर आकलोली गांव का दीप स्तंभ, बरसों पुराना दीप स्तंभ। और इस मंदिर के प्रांगण में भी दो गर्म पानी के कुंड है, जहाँ पे भी भाविक श्रद्धा से स्नान करते हैं। और कहा जाता है कि जिन्हें चर्म रोग, स्किन की डिसीज होते हैं, इस गर्म पानी के कुंड में नहाने से उन्हें काफ़ी फायदे मिलते हैं। तो दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने। और अब हम आ रहे हैं वज्रेश्वरी टेम्पल। काफ़ी प्रचलित वज्रेश्वरी टेम्पल है और काफ़ी लोग श्रद्धा से यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ आने पे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पे तीन देवियाँ हैं, कालिका देवी, वज्रेश्वरी देवी एंड रेणुका देवी। इन तीनों की मनोरम्य प्रतिमाएं देख के हमारी मनोकामना अगर पूर्ण करनी हो तो यहाँ पे विजिट करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये उसके आसपास का परिसर है, मंदिर के आसपास का। गुड बाय फ्रेंड, दूसरी जगह के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।